वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू योर चैनल माय न्यू स्कूल। दिस इज अमित शर्मा। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के न्यू टॉपिक फैक्टर थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम के टॉपिक को डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी की थी। आज के इस वीडियो में हमारा जो नया टॉपिक है वो है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले रहे हैं 3x² + x - 2। इसको मुझे डिवाइड करना है x + 1 से। जब आप x + 1 से 3x² + x - 2 को डिवाइड करोगे तो यहां पर पहला टर्म है 3x², जबकि यहां पर है हमारा x। अब 3x² मुझे कंप्लीट बनाने के लिए मुझे यहां पर 3 लिखना होगा और x। क्यों? क्योंकि 3x की जब आप 3x की जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3x² मिल जाएगा। तो हमें यह इजीली पता लग जाता है कि हमारा यहाँ पर नंबर कौन सा आने वाला है। तो 3x² के लिए हमें 3x लिखना होगा। 3x की जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिला 3x². नेक्स्ट 3x की आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ गया आपका 3x। अब आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, अब यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करने पर आप जानते हो साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। तो 3x² से 3x² कैंसिल आउट। अभी है 1x, 1x में से 3x माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -2x और ये -2 हमने नोट कर लिया। अब हमें चाहिए -2x, तो हम यहाँ पर कौन सा नंबर लगाएं वो हमें यहीं से क्लियर हो जाता है। यहाँ पर हमारा -2 है तो हमने -2 लिख लिया। सेकंड यहाँ पर आ रहा है x जो कि हमारे पास ऑलरेडी है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो -2 से पहले की तरह आप मल्टीप्लाई करो, -2 की x से करोगे तो -2x मिलेगा, -2 की आप +1 से करोगे तो -2 मिलेगा। आफ्टर देन सब्ट्रैक्टिंग यू चेंज द साइन, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है। तो 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और आपको क्या मिला, 0। जो जनरल टर्म थे मैं यहाँ अगेन रिमाइंड करा दे रहा हूं, ये आपका क्या है, रिमाइंडर। 3x - 2 इज क्वोशेंट एंड x + 1 इज डिवाइजर एंड दिस इज डिविडेंड। 3x² + x - 2 इज डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा था 3x² + x - 2 एंड डिविजर जो हमारा था, डिवाइजर जो था x + 1 एंड क्वोशेंट हमारा आ गया 3x - 2 और रिमाइंडर आपका आ गया 0। इससे पहले जो हमारी रिमाइंडर थ्योरम थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर लास्ट में जो टर्म आ रहा था वो हमारा रिमाइंडर था, लेकिन यहाँ पर हमारा डिवाइड करने पर जो आ रहा है आंसर, रिमाइंडर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो मैंने पहले भी बताया था अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम उस पॉलिनोमियल को कहते हैं दैट इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। दैट मींस यहाँ पर जो 3x - 2 है वो आपका फैक्टर होगा किसका, 3x² + x - 2 मींस डिविडेंड का फैक्टर होगा। 3x² + x - 2 का फैक्टर क्या होगा, 3x - 2। तभी होगा ये फैक्टर जब रिमाइंडर आपका 0 आएगा। इट इज द फैक्टर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम का जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो है इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर इक्वल टू 1। अब px एक पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 हो या 1 से ज्यादा हो। तो हमने यहाँ जो पॉलिनोमियल लिया है px 3x² + x - 2, क्लियरली उसकी जो डिग्री है वो आपकी 2 है, ग्रेटर देन 1 है। अब यहाँ पर लिखा है एंड a इज एनी रियल नंबर, वो अभी हमें नहीं पता a इज एनी रियल नंबर। देन पहला केस क्या आता है कि x - a इज ए फैक्टर ऑफ px, मतलब x - a फैक्टर होगा px का, यानी इसका कब होगा, जब pa इक्वल टू जीरो। अब ये pa क्या आ गया, pa यहाँ पर रिमाइंडर ही है, pa यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर ही है। ये जो आपका r निकल के आया है जो यहाँ पर 0 आ रहा है वही हमारा क्या है, pa है, pa है। तो 3x - 2 एक तरीके से हमारा x - a को रिप्रेजेंट कर रहा है, x - a जिसकी ये बात कर रहा है। जैसे मैंने यहां पर बताया 3x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, इसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x - a इज ए फैक्टर ऑफ px, यहां पर क्या है 3x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। सेकंड स्टेटमेंट है इफ
PA = हमारा जीरो जैसा कि यहां पर आया है if x minus is a factor of px, दोनों कंडीशन मैंने लिख दी। अगर हमारा x minus a क्या है फैक्टर है तो हमारा PA जीरो होना चाहिए और PA जीरो है तो x minus a फैक्टर होना चाहिए, दोनों केस आपके सामने है। अब हम इसी पर फैक्टर थ्योरम जो हमारा स्टेटमेंट है इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम इज इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर, x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर। अब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है कि x माइनस वन क्या है, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, पहले से गिवन है, गिवन है, तो दैट मींस जो सेकंड हमारा उसमें स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग x माइनस वन इक्वल टू जीरो, क्योंकि x माइनस वन ऑलरेडी फैक्टर है तो हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे और यू गेट x इक्वल टू वन, पुट इन पॉलिनोमियल, आप इसको पॉलिनोमियल में पुट करोगे, जो पॉलिनोमियल हमें पी एक्स इक्वल टू गिवन है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन, पी एक्स डिनोट्स फॉर पॉलिनोमियल इन x, x इक्वल टू वन आप इसमें पुट करो p1 k x1 स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन, p1 क्लियरली हमारा क्या है जीरो है, क्लियरली p1 हमारा क्या होगा जीरो होगा क्योंकि वो फैक्टर ऑलरेडी गिवन है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे जीरो k माइनस रूट टू प्लस वन, तो वैल्यू ऑफ k रूट टू इधर आ जाएगा रूट टू माइनस वन, तो वैल्यू ऑफ k इज रूट टू माइनस वन इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये वाला जो क्वेश्चन था वो फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड था, अब ये वाला क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो फैक्टर करते हैं उस पर कर रहे हैं। तो यहां पर x स्क्वायर से पहले क्या नंबर है 6 और लास्ट में क्या है 6, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 6 ये आपका हो गया 36। अब 36 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर हैं वो आप सबसे पहले लिखो, जैसे 2 इंटू 18 ये भी 36 आएगा, 4 इंटू 9 ये भी 36 आएगा और 3 इंटू 12 ये भी 36 आएगा, ऐसे इनका रिवर्स अगर हम कर देते हैं 6 भी आएगा यहां पर 6 इंटू 6 इक्वल टू 36, इनको रिवर्स करेंगे तब भी हमें 36 मिलेगा। अब आप ये देखो मल्टीप्लाई करने पर 36 हमें मिल रहा है, फैक्टर हमारे हो गए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाले जो नंबर्स आपको मिल रहे हैं जैसे 2 और 18, 4 और 9, 3 और 12 या 6 और 6, उनको सब्ट्रैक्ट करने पर यहां पर जो साइन है इस बात का ध्यान रखेंगे, जो नंबर यहां पर साइन आ रहा है उसी साइन को आप लेके चलोगे, मतलब जो नंबर हमें मिल रहे हैं उनको माइनस करने पर हमें कितना मिलना चाहिए 5 मिलना चाहिए, अगर यहां पर प्लस होता तो आपको प्लस करने पर ये वाला नंबर लाना है और माइनस है तो माइनस करके लाना है। तो ये आपको इसमें पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं उनमें से सर्च करना होगा कि कौन सा पेयर ऐसा है जिनको माइनस करने पर हमें 5 मिल जाएगा, तो वो क्लियरली फैक्टर है आपका कौन सा 4 और 9, 4 और 9 को जब आप माइनस करोगे यानी 9 में से 4 माइनस करोगे तो आपको 5 मिलेगा, तो 6x स्क्वायर प्लस 5 के प्लेस पर मैंने लिखा 9 माइनस 4 x माइनस 6, देन 6x स्क्वायर प्लस 9x, 9 की मल्टीप्लाई माइनस 4x माइनस 6, 2-2 के आप पेयर बनाएंगे, यहां पर आप कॉमन लो 6 और 9 जिस टेबल से कट सकता है उसको लिख लेंगे, 3 से कॉमन है 3 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, यहां पर x स्क्वायर है यहां x की पावर 1 है तो x की पावर 1 कॉमन आ गया, 3 से आप डिवाइड करो 3 2 6 और x प्लस 3 3 9, एक्स हम ऑलरेडी बाहर देख चुके हैं, अब 4 और 6 है दोनों तरफ, ये 4 और 6 किससे कट सकता है 2 से कट सकता है, तो आपने 2 कॉमन ले लिया 2 2 4 x, माइनस ऑलरेडी बाहर है और यहां भी माइनस है तो आप यहां प्लस लिखोगे 2 3 6, ये नोट करने की बात है कि फैक्टर करने के बाद कॉमन लेने के बाद ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं आपकी ये वाली ये दोनों ब्रैकेट आपकी सेम आनी चाहिए, अगर सेम आई है दैट मींस आप जो फैक्टर आपने किए हैं वो आपके राइट हैं, और ब्रैकेट्स आपकी सेम नहीं है दैट मींस आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है फैक्टर्स में, वो आपको दोबारा से चेक करना होगा। अगेन 2x + 3 दोनों ब्रैकेट सेम है वो हमने एक ब्रैकेट में लिख ली और सेकंड ब्रैकेट में हमने लिख लिया रिमेनिंग टर्म 3x और -2, इट इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक तो ये मेथड हो गया आपका और दूसरा हो गया फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड, अगर आपको फैक्टर पहले से दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना है किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू तो उस केस में हम क्या करेंगे p1 = 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम
फैक्टराइज एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 3 एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 9 एक्स माइनस 5। अब यहां पर जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसकी डिग्री क्या है, 3 है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन अभी किए थे उनमें हमारे जो थे डिग्री 2 थी, एक तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके किया था और दूसरा फैक्टर थ्योरम से किया था। अब यहाँ पर हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हमारी 3 है। अब इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट तो करना पॉसिबल नहीं है, रीजन ये है कि यहाँ पर फोर पेयर है, फोर टर्म्स हमारी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से ही या फैक्टर थ्योरम से हम इसको करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक्स की वैल्यू अपनी तरफ से आप पुट करोगे और आप ये चेक करोगे किस पर इसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले एक्स इक्वल टू माइनस वन हम पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन, देन रिमाइंडर इक्वल टू एक्स के प्लेस पर माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन स्क्वायर माइनस नाइन वन और फाइव। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस वन की पावर 3 दैट मीन्स माइनस आएगा, क्योंकि माइनस की पावर अगर ऑड होती है तो माइनस आता है, और माइनस की पावर अगर इवन होती है जैसे कि यहां पर है तो वो प्लस आएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 5, देन रिमाइंडर इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5। तो रिमाइंडर आपका हो गया माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 और माइनस 5 माइनस 9 प्लस 9, दैट मीन्स रिमाइंडर यू गेट 0। और फैक्टर थ्योरम का ये स्टेटमेंट था, अगर रिमाइंडर आपका जीरो आ जाए तो जैसे हमने x इक्वल टू माइनस वन लिया है, x इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन को जो आप इधर लोगे लेफ्ट साइड में तो हम लिखेंगे x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका फैक्टर हमारा क्या हो गया, x प्लस वन हो गया, जिस पर हमारा रिमाइंडर जीरो आया है। जरूरी नहीं है कि आपका किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जीरो आ जाए, आप कोई दूसरी वैल्यू रखोगे, मान लो माइनस टू आप रख रहे हो तो आपका एक्स प्लस टू फैक्टर हो जाएगा, प्लस टू रख रहे हो तो माइनस टू आपका फैक्टर हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन जो हमारा आया है उसी से आप डिवाइड करोगे गिवन पॉलिनोमियल को, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। तो एक्स स्क्वायर की एक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर की वन से करोगे तो आपको मिलेगा वन एक्स स्क्वायर, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट, अब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस वन एक्स स्क्वायर हो गया माइनस फोर एक्स स्क्वायर, माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव हमने नोट डाउन कर लिया ऊपर से जो रह गया था, अब यहां पर माइनस है तो माइनस फोर और एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम सिंपली यहां पर एक्स लिखेंगे, रीजन 4x की जब x में मल्टीप्लाई होगी तो 4x स्क्वायर आपको मिलेगा, 4x की आप 1 से करोगे तो माइनस का 4x, अगेन वही प्रोसेस ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज प्लस प्लस, क्योंकि हम माइनस है इसलिए मैंने प्लस लिखा है, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट, माइनस 9x में से प्लस 4x माइनस करोगे तो मिलेगा माइनस 5x माइनस 5, अगेन माइनस साइन 5 एक्स ऑलरेडी आपके पास है तो माइनस फाइव की जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस फाइव एक्स, माइनस फाइव की वन से करोगे माइनस फाइव, ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज फाइव एक्स से फाइव फाइव से फाइव, रिमाइंडर इज जीरो। अब यहाँ रिमाइंडर अगेन जीरो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पहले ही क्लियर हो गया है कि एक्स प्लस वन क्या है, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, इसलिए आपका रिमाइंडर क्या आया जीरो, और 100% जीरो ही आएगा। तो अब आपका जो सोल्यूशन हुआ इसका एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, तो पहली ब्रैकेट में तो आप लिखोगे एक्स प्लस वन और सेकंड ब्रैकेट में लिखोगे आप ये वाला टर्म जो कोशेंट आपका आया है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो है, अंडरस्टूड है कि रिमाइंडर है ये, वही डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो एक्स प्लस वन। अब हमारे पास जो सेकंड ब्रैकेट है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे जैसा हमने अभी एक एग्जांपल में किया था, तो फाइव की आप फैक्टर करोगे आपको फोर मिलना चाहिए, लेकिन प्लस करने पर मिलना चाहिए, लेकिन प्लस करने पर मिलना चाहिए, तो फाइव के फैक्टर ऐसे जो 4 मिल जाए वो भी
प्लस करने पर, सॉरी माइनस करने पर आपको 4 मिलना चाहिए जी। काटना पड़ेगा इतना, 9 गड़बड़ हो गई थी, शुरू कर दिया। एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो 5 के आप ऐसे फैक्टर करोगे कि उनको माइनस करने पर आपको 4 मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, मैं 4 के प्लेस पर लिख रहा हूँ, 5 माइनस वन माइनस फाइव एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस फाइव, अगेन कॉमन, टू टू के पेयर्स आप बनाओगे, x कॉमन यू गेट x माइनस फाइव प्लस वन कॉमन x माइनस फाइव, नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस फाइव, ब्रैकेट्स आर सेम, दैट मीन्स आपके जो स्टेप्स हैं वो क्लियर हैं। तो इट इज द फैक्टर्स, ये जो आपके फैक्टर्स आ गए वो आपके गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, जितनी डिग्री होती है, जितनी भी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की, उसके फैक्टर भी उतने ही आते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिग्री आपकी 3 है, तो आपके जो फैक्टर्स आए हैं वो 3 आए हैं, पहला दूसरा और तीसरा, 3 फैक्टर आए हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो आपके 2 फैक्टर्स आएंगे, और अगर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर आपके आएंगे जो कि यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा होता है कि इतना बड़ा कैसे करें, पहले तो हम फैक्टर चेक करें, फैक्टर चेक करने के बाद उसे डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करें, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक शॉर्ट मेथड से बता रहा हूँ, लेकिन उसमें यहां तक का पार्ट सेम रहेगा, यहां तक का तो आपको करना ही होगा, उसके आगे कौन सा दूसरा स्टेप है उसमें हमें बिना डिवाइड किए हमें ये मिल सकते हैं। सबसे पहले जो x प्लस वन आपका जो फैक्टर आया है, उस x प्लस वन को उतनी ही बार गैपिंग दे करके लिखोगे जितनी आपकी डिग्री है। आपकी डिग्री है 3, 3 है यहां पर, तो ये जो फैक्टर आया है उसको मैंने 3 टाइम्स यहां पर लिख लिया। आफ्टर दैट आप यहां पर जो पहला टर्म है उस पर फोकस करो, पहला टर्म आपका क्या है, एक्स की पावर 3 है, तो मैं यहां पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x की रेज टू पावर 3 मिल जाए। यहां पर x आ रहा है तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर सकता हूं किसकी, x स्क्वायर की। जब x स्क्वायर की आप x में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पहला टर्म मिल जाएगा, पहला टर्म मिल गया। अब x स्क्वायर की डेफिनेटली 1 से भी आपको मल्टीप्लाई करनी होगी क्योंकि यहां ब्रैकेट है, तो x स्क्वायर की जब 1 से करोगे तो आपको मिला 1x स्क्वायर, जबकि आपके पास x स्क्वायर की नीड कितने की है, नीड है आपको माइनस 3x स्क्वायर की, और मिला आपको क्या है, प्लस का 1x स्क्वायर, प्लस का 1x स्क्वायर मिला है, और मुझे नीड है माइनस के 3x स्क्वायर की। तो ये आपको अपने माइंड में कैलकुलेशन करनी होगी कि मैं किस नंबर को लेकर चलूं जिससे मुझे माइनस 3 मिल जाए, लेकिन आया मेरे पास प्लस का 1 है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं माइनस 4x। सोचो माइनस 4x जो लिखा है, माइनस 4x की जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 4x स्क्वायर, और यहां ऑलरेडी आपको एक मिल चुका था प्लस का 1x स्क्वायर, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 3x स्क्वायर। तो ये टर्म आपको मिल गया, सेकंड टर्म भी मिल गया। अब नेक्स्ट माइनस 4x की जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 4x, आपको आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, रिक्वायरमेंट है मुझे 9x की, माइनस के 9x की, जबकि मुझे मिला कितना है माइनस का 4, तो रिक्वायरमेंट कितने की रह गई, माइनस 5, तो ऑब्वियसली यहां पर मैं लिखूंगा माइनस का 5। माइनस 5 की आप मल्टीप्लाई करोगे x से तो आपको माइनस 5x मिलेगा, और इनको जब आप ऐड करोगे तो माइनस का 9x आपको मिल गया। और लास्ट वाला जो टर्म है माइनस 5 की, जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 5 आएगा, वो डायरेक्टली अपने आप ही आ जाएगा, उसको लाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आपको मैंने जो सॉल्व किया इसको मैंने बिना डिवाइड किए आपको एक मेथड बताया कि हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अब इन सभी में से आप x प्लस वन को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ये वही टर्म आ गया जो आपका डिवाइड करने पर आया था, जब आपने x प्लस वन से इसको डिवाइड किया था तो आपको यही टर्म मिला था, और यही टर्म हमारा आ गया। इसी के आगे का स्टेप
जो अभी हमने सॉल्व किया था बिल्कुल सेम वर्किंग वही रहेगी, बस केवल यहाँ पर डिफरेंस ये हो गया कि हमें डिवाइड नहीं करना पड़ा, एक नया मेथड यहाँ पर मैंने यूज किया। तो आपकी एक्सरसाइज जो 2.4 है वो इसी पर बेस्ड है, उसमें फैक्टर्स मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी करने हैं, फैक्टर थ्योरम से भी करने हैं और इस तरीके से भी आपको करने हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आपकी लास्ट एक्सरसाइज बची है।